We will do chapter 1 of your political science civics book, Why is Democracy and What is Democracy, class 9, let's start. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो होता क्या है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब इस टाइप की गवर्नमेंट जहाँ पर लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं, जो गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम करती है और जो मेन पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है. मेन फोकस किस पे होता है? लोगों पे. मेन पावर होती है लोगों के पास. गवर्नमेंट किसकी पसंद की होती है? लोगों के पसंद की. कोई यहाँ पे वो नहीं होता, राजा है तो कोई उसका राज चलेगा, या कोई डिक्टेटर आ गया कब्जा कर लिया तो उसका राज चलेगा. किसका राज चलेगा? लोगों का. चाहे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे क्या होती है डायरेक्ट, क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. फिलहाल आप डेमोक्रेसी समझो कि जब लोगों के पास पावर होती है अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने की, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. अब बात आती है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल. मैंने बता दिया ना, रूलर जो लोगों को रूल करते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए हुए होते हैं? लोगों द्वारा ही. कोई और आके नहीं बता देगा कि हम आपको रूल करेंगे. लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे ऊपर कौन रूल कर सकता है. नॉट ऑल गवर्नमेंट होल्डिंग इलेक्शंस इज डेमोक्रेसी. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी है. इलेक्शन और दूसरे टाइप ऑफ गवर्नमेंट में भी तो हो सकते हैं. बहुत तरीके की चीज़ों में इलेक्शन होते हैं. जरूरी थोड़ा ना जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वही डेमोक्रेसी है. तो इलेक्शन जहाँ हो रहे हैं इससे ये नहीं पता चलता कि वो डेमोक्रेसी. और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है. अब देखते हैं. अब हमने बात करी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, नॉन डेमोक्रेटिक कैसी होती है. डिटेल में भी तो हमें पता होनी चाहिए. देखो इंडिया है ना जो, वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यहाँ पे हम ही तो चुनते हैं ना लोगों को, रूलर्स को, जो हम पे रूल करें. पार्लियामेंट में गवर्नमेंट हम ही तो डिसाइड करते हैं ना कौन गवर्नमेंट में जाएगा, कौन किसकी क्या पावर होगी. हम ही तो वोट देने जाते हैं, वो अपने आप से थोड़ी ना अपनी मर्जी से बन जाते हैं. तो हम तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं. अब नॉन डेमोक्रेटिक किस टाइप की हो जाती है? जहाँ आर्मी रूलर्स होते हैं, मतलब कि कोई आर्मी है किसी जगह की आर्मी है, ठीक है, वहाँ पे उस आर्मी के जो भी वो है रूलर्स, कोई किसी कंट्री में आर्मी की पावर बहुत स्ट्रांग है तो आर्मी ही अपने आप को ज़्यादा पावर में मान लेती है सुप्रीम, और खुद डिसीजंस लेती है मेजर, और मेन अथॉरिटी उसी के पास होती है. वो उस टाइप की गवर्नमेंट होगी जहाँ पे आर्मी रूल करती है, जैसे कि कहाँ पे? म्यांमार में, ठीक है. ऐसी एक तो टाइप हो गया जहाँ पे आर्मी रूल करती है, वो भी नॉन डेमोक्रेटिक कहलाएगी क्योंकि लोग तो चुन नहीं रहे ना. आर्मी में जो भी हेड है जनरल वगैरह है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, वही डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. अब एक हो गई टाइप ऑफ डिक्टेटर जहाँ पे वो खुद कोई भी आ जाता है, कब्जा कर लेता है किसी भी तरीके से, जीत के अपनी पावर के उस पे बेसिस पे वो खुद को वहाँ का डिक्टेटर घोषित कर देता है कि अब मैं जो चाहूँगा मैं ही डिसीजन लूँगा, मैं ही सुप्रीम हूँ और आप सबको मेरी बात माननी पड़ेगी. जैसे पिनोके डिक्टेटर ऑफ चिले, चिले एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये बंदा था पिनोके नाम का जो वहाँ का डिक्टेटर था. वहाँ पे कोई सरकार लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी, ये डिक्टेटर था जो अपना राज चलाता था. तो ये भी नॉन डेमोक्रेटिक है. अब बात आती है मोनार्की, लाइक सऊदी अरेबिया. मोनार्की मैं आपको पहले भी वीडियोस में समझा चुकी हूँ, जैसे कि कोई राजा होता है ना, वो रूल करता है, कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता. जो राजा मर जाएगा जब उसका बेटा जो होगा वो रूल करेगा. मतलब ऐसी हेरिडिटी के बेसिस पे चीज़ें चलती है वहाँ पे, जैसे कि सऊदी अरेबिया में तो मोनार्कियल सिस्टम होता है वहाँ पे. वो भी क्या होता है? नॉन डेमोक्रेटिक. उसे डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे. लोग थोड़ी राजा को चुन रहे हैं. एक बार कोई राजा बन गया, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा. कोई लोग थोड़ी ना डिसाइड कर रहे हैं कौन राजा बनेगा, कौन हम पे रूल करेगा. समझ आ गया डेमोक्रेटिक क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक क्या होती है. अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के कुछ स्पेशल फीचर्स. देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट गिव्स एवरी मैन राइट टू बी हिज ओन ऑपरेशन. सही बात है, डेमोक्रेसी है तो हर मैन के पास, हर इंसान के पास राइट है कि कौन हमें रूल करे, है ना भाई. हर कोई वोट देने जाता है ना, जरूरी तो नहीं है कि कोई भी बस थोड़े से ही बंदे जा रहे हैं वोट करने, बाकी नहीं वोट कर रहे. हर किसी के पास अधिकार है ना, वो अपनी चॉइस रख सकता है ना कि हम ये चाहते हैं भाई ये बंदा जीते और इसकी हम बात मानिए, ये पावर में जाए. तो सबके पास राइट है. दूसरा, मैन कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल बट मैन इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी. मतलब जब बंदा जस्टिस चाहेगा कि न्याय हो, कुछ गलत ना हो,
हर चीज़ सही तरीके से चले। तो डेमोक्रेसी पॉसिबल तभी तो होगी जब हम चाहेंगे नहीं, तो डेमोक्रेसी होगी कहाँ से? ये तो पता ही है हमें। अगर जस्टिस हम चाहते हैं तो डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल होगी। अगर हमें जस्टिस ही नहीं चाहिए, जो भी है गलत होने दो, इक्वालिटी नहीं है ठीक है, तो डेमोक्रेसी की भी क्या ही ज़रूरत है, हम उसी में जीना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम जस्टिस चाहते हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, ये सब चीज़ें हो, तो डेमोक्रेसी भी तभी पॉसिबल है। लेकिन लोग, एक तो ये तब पॉसिबल है, दूसरी बात जब जस्टिस होता ही नहीं है तो डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जब इनइक्वालिटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जब जस्टिस हमें चाहिए तो डेमोक्रेसी पॉसिबल होती है। जब बिल्कुल इनजस्टिस चल रहा हो तो डेमोक्रेसी बिल्कुल ज़रूरी होती है, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। सही बात है, इसके थ्रू हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हम भाई जिस तरीके से डिजर्व करते हैं ना लोग हम पे रूल करें, वो हमें एक ऑप्शन देती है डेमोक्रेसी। ये नहीं कि कोई भी आके हम पे रूल कर रहा है, हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, जितने मर्जी हमसे टैक्सेस ले रहा है, जैसे होता है ना डिक्टेटरशिप में होता है, जैसे अंग्रेज़ों ने हम पे रूल किया, उन्होंने जो मन में आया किया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें ये पता है जैसे हम डिजर्व करते हैं वैसे ही हम गवर्न किए जाएंगे, गवर्नमेंट भी उस हिसाब से काम करेगी, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और होगा तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ऑल इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में देखो कोई दिक्कतें हैं तो और ज़्यादा डेमोक्रेसी लाओ ताकि वो दिक्कत से ख़त्म हो जाए। तो मतलब जितनी भी डेमोक्रेसी में बीमारियां हैं वो किससे ठीक हो सकती है? और ज़्यादा डेमोक्रेसी से, है ना भाई। कुछ कमी है तो और डेमोक्रेटिक चीज़ें करो, और अच्छे से करो, जिसमें फीचर्स तो डेमोक्रेसी के अच्छे अच्छे हैं ना, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। तो अगर कोई कमी है तो और ज़्यादा डेमोक्रेसी को फॉलो करो ताकि ये कमियाँ ख़त्म हो जाए, ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं और फीचर्स की भाई, जो मेन मेजर है, जिसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब इलेक्टेड लीडर्स कौन होते हैं? जिन्हें हम वोट देके चुनते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लो, और वो ही हमारे लिए क्या लेते हैं, डिसीजंस। ऐसे तो नहीं है कोई भी अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है पावर में है, तो कौन डिसीजन लेगा? जिनको हमने चुना है, हमने इलेक्ट किया है, वो ही बड़े बड़े डिसीजंस हमारी कंट्री के लिए और हमारे लिए लेंगे। और क्या ज़रूरी है भाई डेमोक्रेसी के लिए? कैसे पता चलेगा वो डेमोक्रेसी है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अगर हम अपने इलेक्टेड लीडर्स जो चुन रहे हैं वो फेयर तरीके से ही नहीं चुने गए, उसमें धोखाधड़ी करप्शन हुई है, तो क्या वो डेमोक्रेसी का एक फीचर हो सकता है? क्या वो सही? डेमोक्रेसी का एक मतलब ही जस्टिस है, जो तरीके से चीज़ें हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो, सबके पास वोट देने का अधिकार हो, और सबके पास ना जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास सबके पास इक्वल वो हो कि कोई भी हार सकता है, है ना, इक्वली सब हार सकते हैं। ये नहीं कि कोई बिल्कुल ही ज़्यादा सुपीरियर है तो वो सेव है, वो तो हार ही नहीं सकता, किसी के पास स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, सब फ्री है, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं है, कोई जो लोग चाहते हैं वही, जो डिजर्विंग है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं वही चूज़ करके एक इलेक्टेड लीडर बने। तो ये फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। दूसरा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक बंदा है जो, उसको एक वोट का ही अधिकार है, और उसकी वैल्यू भी एक जो सेम है वो सबकी वैल्यू के सेम इक्वली होनी चाहिए। मतलब मेरे पास एक वोट है, चाहे मैं रिच हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मैं किसी रिलीजन की हूँ, चाहे मैं किसी भी कास्ट की हूँ, डजेंट मैटर, मेरे वोट की वैल्यू वही है जो दूसरे किसी बंदे की वोट की है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो खुद प्राइम मिनिस्टर हो, सबकी वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और सबको एक ही वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, या कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसको दो वोट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक बंदा है तो उसको एक ही वोट मिलेगा और सबकी वैल्यू सेम होगी। दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट, जो लोगों के राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट हो, कोई उसको अगर उसको उसके अगेंस्ट जाता है, हैं, तो उसके अगेंस्ट हम जाके एक्शन ले सकते हैं कि ये हमारे राइट्स के अगेंस्ट है, हमें हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, अब हम कोर्ट जा सकते हैं या पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट हो हमारे राइट्स की, गवर्नमेंट जो है वो भी रिस्पेक्ट करे, ये नहीं जो हमें अधिकार मिले हैं उसको रिस्पेक्ट करे, ये नहीं कि कुछ भी नहीं तुम यही नहीं करोगे, तुम तो प्रेस पे कंट्रोल कर लिया, टीवी में यही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, किसी एक इंसान का रूल नहीं चलेगा, लॉ का रूल चलेगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होता है ना सुप्रीम, तो वही है कॉन्स्टिट्यूशन। किसी बंदे का प्रेसिडेंट का ना रूल होता है, ना प्राइम मिनिस्टर का रूल होता है, रूल किसका होता है? लॉ का, जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लॉज बने हुए हैं। तो मेन सुप्रीम पावर है लॉज के पास, जो कि किसके द्वारा बनाए गए हैं भाई, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाए हैं। मेन पावर तो देखो लोगों के पास है डेमोक्रेसी में, और रूल किसी बंदे का नहीं है, लॉ का रूल है।
ठीक है। अच्छा अब ये पता चल गया हमें फीचर्स ब्रॉडली, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इनके एग्जांपल देखो किस तरीके से ये फीचर कहाँ पे अप्लाई नहीं होते, कैसे वो डेमोक्रेसी नहीं होती है कोई कंट्री। देखो जैसे कि एक हमने फीचर पढ़ा मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, डेमोक्रेसी में भाई डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या था, जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे, इन्होंने क्या करा, एक ना मिलिट्री कूप लेड किया। कब, अक्टूबर 1999। क्या करने के लिए भाई, इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी चल रही है ना उसको मैं हटाऊंगा। इन्होंने ये चाहो, ये जर्नल है देखो, आर्मी का जर्नल है, ठीक है। जैसे आर्मी रूल हमने पढ़ा था ना अभी म्यांमार में, ऐसे ही जनरल परवेज मुशर्रफ जी कहते हैं, जो भी है ये मुशर्रफ, ये कहता है कि यहाँ की डेमोक्रेसी है ये मुझे हटानी है और मैं खुद बनूंगा यहाँ का जो भी रूल करने वाला बंदा है। वो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव, खुद को क्या बना दिया इसने कि मैं यूँ चीफ एग्जीक्यूटिव, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो, इसको तो मैंने हटा दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, पहले बनता है चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर खुद को बन जाता है क्या, प्रेसिडेंट बन जाता है जी। अब जब ये प्रेसिडेंट बन गया तो अब तो मनमानी चलाएगा ही चलाएगा, ये रेफरेंडम इशू करता है और 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे देते कि अब अगले 5 साल तक मैं ही प्रेसिडेंट रहने वाला हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। देखो कितनी मनमानी है। अब तो जैसे कि अब हम हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई भी हो चाहे मोदी हो, कितनी भी पावर हो, उसके बाद हर 5 साल बाद इलेक्शन हो सकते हैं, अगर जनता नहीं चाहेगी तो उसे वोट नहीं देगी और वो हट जाएगा। लेकिन इन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन कर ली कि अगले 5 साल तक मैं हूँ, वोटिंग नहीं होगी, फाइनल डिसीजन बाय आर्मी ऑफिशियल। अब जब ये जनरल था, खुद बन गया ये प्रेसिडेंट, अब इसने क्या कहा, जो फाइनल डिसीजन है वो आर्मी के बंदे ही लेंगे, है ना भाई, आर्मी का ही रूल है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो इसने हटा दी, तो यहाँ पे कौन डिसीजन ले रहे थे, आर्मी के ऑफिशियल्स। और फॉर्मली इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है वो तो था, जैसे पहले इलेक्ट किया हुआ पार्लियामेंट था ना जिसमें बंदों ने जो चुना था अपने रिप्रेजेंटेटिव, वो तो है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन फिर भी रियल पावर किसके पास है, जिसको लोगों ने नहीं चुना, इसको लोगों ने चुना था ये जनरल मुशर्रफ को, नहीं ना, लेकिन फिर भी फाइनल पावर किसके पास आ गई थी, इसके पास, जबकि यहाँ पे पार्लियामेंट भी था और गवर्नमेंट भी थी। और ये भाई प्रेसिडेंट बन के बैठ चुका है, तो इसने क्या करा, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस ले आया 2002 में, खुद अमेंड कर दिया। क्या चेंजेस लाया, कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, जैसे हर स्टेट की एक असेंबली बनी होती है ना, जैसे यहाँ पे दिल्ली की असेंबली है, अलग अलग स्टेट की एक असेंबली होती है, पार्लियामेंट तो सेंटर का होता है लेकिन स्टेट के भी कुछ असेंबलीज होती है, ठीक है। इसने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास, इसके प्रेसिडेंट के पास पावर है, नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबली है, नेशनल वाली भी, ये इसको डिसमिस कर सकता है जब मन करे उसका, कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुन जाएगी, तुम एग्जिस्ट नहीं करते। इसने ये किया इस बंदे ने, ठीक है। अब मेन पावर इसके पास है, तो क्या है, तुम्हें लगता है ये डेमोक्रेसी के फीचर्स है, नहीं ना। देखो, सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो यहाँ पे लोगों का जो कैबिनेट था ना, जो लोगों ने जो बंदे सिलेक्ट करे, अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करे, वो कैबिनेट के अंदर है, उसको कौन सी, वो तो चलो भाई उसमें तो कैबिनेट के बंदे हैं जो, वो तो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, है ना। लेकिन इसने क्या करा, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो आर्मी से रिलेटेड होती है मेनली, जिसके अंदर आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, वो उसके ऊपर आएगी भाई, कैबिनेट के ऊपर है वो ही बताएगी कैबिनेट को कि कैसे क्या काम करना है। देखो कितनी चलाकी है, बंदे तो हैं इसके कैबिनेट के अंदर लोगों के द्वारा चुने गए, लेकिन उसके भी ऊपर इसने क्या रख दी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर आर्मी के ऑफिशियल्स है मेनली। तो मेन पावर दिखने को तो लोगों के बंदे हैं, गवर्नमेंट चल रही है, पार्लियामेंट भी है, सब है, लेकिन असली पावर जब देखी जाए तो किसके पास है, जनरल मुशर्रफ के पास, आर्मी ऑफिशियल्स के पास, ठीक है। इवन दो इलेक्टेड गवर्नमेंट, येट फाइनल पावर विद आर्मी, नॉट अ डेमोक्रेसी। क्या ही डेमोक्रेसी है, नहीं ना। और देखो, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी फाइनल पावर आर्मी के पास है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। कोई बंदा कहे कि भाई अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेसी भी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, और भी चीज़ें फुलफिल साथ में होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पे हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ डेमोक्रेसी है। अगर मान लो इलेक्शंस हो गए लेकिन वो फ्री और फेयर तरीके से ही नहीं हो रहे, तो क्या वो डेमोक्रेसी है, नहीं ना। बहुत सारी फीचर्स होते हैं जो सारे फुलफिल होने चाहिए, सारे नहीं तो मोस्टली तो फुलफिल होने चाहिए। ये नहीं एक चीज़ आ गई कि चलो भाई कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे तो ये डेमोक्रेसी है, और भी बाकी चीज़ें हैं ना जो मैटर करती है, ज़रूरी थोड़ी ना कि गवर्नमेंट चुन ली गई है तो डेमोक्रेसी होगी, बाकी की चीज़ें भी तो फुलफिल होनी चाहिए। अब बात आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, ये मैं आपको बताई चुकी हूँ, सही तरीके से बिना करप्शन के हर किसी को राइट होना चाहिए इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए, अगर वो मेरिट को वो करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है चीज़ें कि इस ये बंदा कैंडिडेट बन सकता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है,
उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी एलिजिबल है सबके पास वो है राइट कि वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है और सबके पास इक्वल वोट है, कोई करप्शन नहीं है इस मामले में, तो हम मानेंगे भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जैसे चाइना में क्या था, हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहते थे, क्वांगो रैनिम डाइबियाओ, ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस थी वहाँ की जो पार्टी थी, वो क्या करती थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है, वैसे ही जैसे हम करते हैं ना वोट वोट देके वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते थे और ये वाली पार्टी जो है ये चूज करती थी अपना प्रेसिडेंट। अब कम से कम ना 3000 इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है, जो इस पार्लियामेंट में थे, जो डिसाइड करता था कि कौन हमारा प्रेसिडेंट होगा, पार्लियामेंट तो डिसाइड करेगा और पार्लियामेंट में बंदे कौन जाएंगे, जो लोग इलेक्ट करेंगे। अब वो जो 3000 बंदे हैं इलेक्टेड जिन्हें हम बता रहे हैं, कुछ बंदे कौन सिलेक्ट इलेक्ट करते हैं, आर्मी वाले भी और कुछ नॉर्मल लोग। जो आर्मी वाले बंदे हैं, जो आर्मी के लोग हैं, वो जो इलेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या एक कंडीशन थी कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे क्या है भाई कि एक ना चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है जहाँ वो रूल करती है, अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ने हैं ना तो पहले उसका अप्रूवल लो, तब जाके आप इलेक्शन लड़ सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, प्योर डेमोक्रेसी है यहाँ पे, यहाँ तो जो बंदा चाहेगा वो इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो एलिजिबल है तो, ऐसा नहीं है उसको कांग्रेस का या बीजेपी का अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले इलेक्शन लड़ने के लिए, इंडिपेंडेंट भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब इसमें क्या हो गया, चाइना में क्या बोल रहा है कि भैया अगर आपको इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप कम्युनिस्ट पार्टी से जाके पहले परमिशन ले लो। अब भाई अगर कम्युनिस्ट पार्टी किसी बंदे को नहीं चाहेगी इलेक्शन लड़े तो वो लड़ ही नहीं पाएगा इलेक्शन, उसके पास तो फेयर चांस उसको मिला ही नहीं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस बंदे को कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी वो ही इलेक्शन लड़ पाएगा और वही जीतेगा, है ना, उसी की चॉइस के बंदे जीतेंगे। अब ये इनडायरेक्टली तो अपनी चॉइस चला रही है ना, इसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता, तो क्या ये डेमोक्रेसी हो पा रही है, नहीं ना। तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से ना इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दिया उन्होंने कि गवर्नमेंट जो हर बारी किसकी बन रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि चाहे कोई भी बंदा आ जाए भाई उसको एट द एंड आके इसी से तो परमिशन लेनी है, ये परमिशन नहीं देगा तो वो लड़ ही नहीं पाएगा इलेक्शन, तो हार थक के गवर्नमेंट बनेगी किसकी, इसी पार्टी की। इस तरीके से कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही, इन्होंने घुमा के पकड़ा कि चलो भाई कोई भी बंदा आ जाए लड़ तो सब सकते हैं, सबके पास अधिकार है, कहने को तो सबके पास राइट है कि भाई इलेक्शन लड़ लो, लेकिन एट द एंड इन्होंने क्या कंडीशन रख दी, हमसे पहले पूछ लो, हम जो चाहेंगे वही होगा। कितना पागल बनाते हैं देख लो लोग चाइना के। फिर क्या हुआ, एक मैक्सिको का एग्जांपल भी देखते हैं भाई, 1930 में ये हो गई इंडिपेंडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्शन यहाँ पे होते हैं हर 6 साल में, जैसे चाइना में 5 साल में होते हैं, हमारे यहाँ पर भी 5 साल में होते हैं, यहाँ होते हैं भाई 6 साल में। नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, जैसे जनरल वो जो भी है पाकिस्तान का जनरल, वो तो मिलिट्री रूल चला रहा है, आर्मी का रूल वहाँ पे चलाया उसने, और कहीं पे डिक्टेटर अपने चलाता है जैसे हिटलर वगैरह जो खुद चाहते हैं भाई पावर में हम भी डिक्टेटर हैं यहाँ के, हम जो जाएंगे वो होगा। यहाँ मैक्सिको में ऐसा किसी ने कभी रूल नहीं किया, लेकिन अनटिल 2000 एवरी इलेक्शन वोन बाय पीआरआई, लेकिन 2000 तक ना पता है क्या हुआ, हर इलेक्शन जो भी होता था ना वो पीआरआई जीतती थी, जो कि थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी थी, हर बार यही इलेक्शन जीत रही है। अब भाई कुछ तो गड़बड़ है कि हर बार यही कैसे जीत रही है, ये क्या यूज़ करती थी, डर्टी ट्रिक्स जीतने के लिए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या बोला हमसे अप्रूवल ले लो, ये क्या कर रही है, इसने ये क्या करती थी, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स फोर्स्ड पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे उनको ये बोल, प्राइवेट स्कूल वाले तो अपने ही मालिक है ना, उस पर तो गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, तो ये उनको तो बोल नहीं सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे उनको ये बोलती थी कि जो भी पेरेंट्स होंगे ना उनको बोलना कि पीआरआई को ही वोट करना है, और जब टीचर्स बोलेंगे तो पेरेंट्स बहुत सारे सुनेंगे कि भाई क्या पता हमारे किसी तरीके का उनको प्रेशर दे कि तुम्हारे बच्चे की एजुकेशन अफेक्ट होगी, ये होगा वो होगा, तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बोलते थे पेरेंट्स को कि आप पीआरआई को वोट दो, एक तो ये तरीका। दूसरा, मीडिया इग्नोर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन एंड ओनली क्रिटिसाइज, जो भी मीडिया होती थी टेलीविज़न रेडियो न्यूज़पेपर, वो जो बाकी की दूसरी पार्टी जो होती थी ना अपोजिशन पार्टी, दूसरी पार्टी जो होती है जो कि मेजॉरिटी में दूसरी एक बड़ी पार्टी होती है लेकिन जो रूल नहीं कर रही होती उसे बोलते हैं अपोजिशन पार्टी, हैं बराबर की टक्कर की पार्टी, उसकी एक्टिविटीज़ चाहे वो अच्छी कर रही हो तो उसको इग्नोर करती थी मीडिया, कभी लोगों को नहीं दिखाती थी कि वो अगर दिखा देगी और लोगों को पता चल गया कि भाई ये पार्टी भी अच्छा काम कर रही है तो क्या पता उसको वोट दे दे, तो इसको इग्नोर ही करने को कहते हैं कि मीडिया को उनकी एक्टिविटीज़ दिखानी नहीं है और उनको क्रिटिसाइज ही करना है कि ये गलत कर रही है ये वो गलत कर रही है। तो इसीलिए क्या हुआ, वहाँ पे जो अपोजिशन थी दूसरी पार्टीज थी वो कभी जीती नहीं, हमेशा पीआरआई ही जीती, करप्शन से काम होने लग गया,
वहाँ पे जो पोलिंग बूथ थे ना जहाँ पे वोट करने जाते थे, वो लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाते थे अगर कुछ भी उनको गड़बड़ दिखती थी तो, अपने हिसाब से अपनी सही जगह जो जहाँ पे करप्शन पूरी अच्छे तरीके से चल सकती थी वहाँ पे वो शिफ्ट कर देते थे, ताकि लोगों को डिफ़िकल्ट हो वोटिंग करने में, डिफ़िकल्टी हो, ये तरीके वो यूज़ कर रहे थे। लार्ज मनी फॉर कैंपेनिंग फॉर PRI कैंडिडेट्स, जो भी बंदे PRI पार्टी से खड़े होते थे, अपोजिशन पार्टी से नहीं, जो PRI पार्टी से खड़े होते थे उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे कि कैंपेनिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए अपनी पार्टी के बारे में, और बाकी पार्टी को उसको कम पैसे मिलते थे, ठीक है, अलाउ करते थे। तो ये भी एक फ्री और फेयर इलेक्शन का एग्जाम्पल तो है ही नहीं, हमें तो पता ही चल रहा है यहाँ तो करप्शन चल रही है पूरी पूरी, साफ साफ डर्टी ट्रिक्स यूज़ हो रही है। अब इलेक्शन कैसे होने चाहिए, इलेक्शन मस्ट ऑफर रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। इलेक्शन कब फ्री और फेयर मानेंगे, जब जो भी बंदे हैं हमारे पास फ्री चॉइस हो कि हम किसी भी बंदे को इनमें से चूज करके इलेक्शन जितवा सकते हैं। यहाँ पर तो कोई चॉइस दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो देखो कितनी डर्टी ट्रिक्स यूज़ हो रही है। वहाँ पर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि हमसे अप्रूवल हो, फ्री और फेयर इलेक्शन तो है ही नहीं भाई। इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू रिमूव एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश टू, हाँ सही बात है, पॉसिबल होना चाहिए लोगों के लिए कि अगर वो चाहें तो जो अभी रूल कर रहा है उसको वो हटाने का भी वो रखते हो। जैसे कि अभी मोदी वाली गवर्नमेंट है सेंटर पे, अगर लोग चाहेंगे तो अगले साल जब भी 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तब लोग वोट उसके अगेंस्ट करके, उसको वोट नहीं देके उसको हटा सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं भाई ये पार्टी रूल कर रही है तो हम इसे हटा नहीं पाएंगे, लोगों के हाथ में पावर है, अगर उन्हें पसंद नहीं आ रहा है जो अभी रूल कर रहा है उसको भी हटा सकते हैं, तभी तो डेमोक्रेसी कहलाएगी, वरना किस बात की डेमोक्रेसी। दोज इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, और क्या, जो पावर में है बंदे उनके पास भी फेयर चांस है कि वो हार सकते हैं। समझ आ गई, फ्री और फेयर इलेक्शन कब माने जाएंगे, जब ये सब हरकतें ना हो। अब बात आती है 1% 1 vote 1 value, ये मैं आपको समझाई चुकी हूँ। चाहे किसी भी तरीके का बंदा हो, किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सबके वोट की इक्वल वैल्यू होगी, सबको एक ही वोट मिलेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस मामले में नहीं होगा। अच्छा, आप सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस मामले में। 2015 तक वहाँ क्या होता था, वुमन के पास कोई अधिकार ही नहीं था वोट देने का, बताओ, जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, वुमन को तो भाई ऐसे ही समझा हुआ था उन्होंने कि तुम क्या करोगे वोट देके। एस्टोनिया में एक और जगह है, वहाँ पे क्या था, डिफ़िकल्ट फॉर रशियन माइनॉरिटी पीपल टू वोट। अब रशिया के जो बंदे थे वहाँ पर रह रहे थे, जो एस्टोनिया में माइनॉरिटी मतलब कम मात्रा में जो लोग होते, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा में, अब जो रशियन माइनॉरिटी थी उनके लिए इस तरीके से रूल्स बना रखे थे कि उनको डिफ़िकल्टी हो वोट करने में, दे ही ना पाए वोट। ऐसी फिजी एक जगह है, फिजी आइलैंड सुना होगा, फिजी जगह है, वोट ऑफ इंडिजीनियस पर्सन हैज़ मोर वैल्यू देन इंडियन फिजियन, मतलब जो वहाँ के ही बिल्कुल प्योर वहीं के इंडिजीनियस लोग थे उनके वोट की मोर ज़्यादा वैल्यू थी रैदर देन इंडियन फिजियन, जो इंडियन लोग वहाँ पर जाके रहने लग गए थे, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी, उनके वोट की कम वैल्यू थी, और जो प्योर वहीं के बंदे हैं उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू थी। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना भाई, डेमोक्रेसी में ये सब तो नहीं चलता। डेमोक्रेसी तो कहते हैं वन मैन है तो वन वोट है और सेम ही वन वैल्यू है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी भी सबके पास होनी चाहिए, मतलब जैसे ऑल सिटीजन, सब सिटीजन के पास राइट होना चाहिए कि वो वोट दे पाए, तभी तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मानेंगे ना, सबके पास राइट होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ पाए, है ना भाई। अगर यही नहीं होगा तो फिर इक्वालिटी कहाँ से हुई, और कहीं से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, और अगर ये नहीं है तो डेमोक्रेसी भी नहीं है भैया, है ना। ये सारे फीचर्स है भाई फुलफिल होने चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा डेमोक्रेसी। अब बात आती है रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ का मतलब किसी इंसान का रूल नहीं होगा, सिर्फ लॉ का रूल होगा, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई मोनार्की सिस्टम, आर्मी रूल नहीं चल रहा, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही, डेमोक्रेसी में लोगों का रूल होता है। लोगों का रूल मतलब किसी एक लोग का, किसी एक बंदे का रूल नहीं होगा, लॉ का रूल, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होगा, और उसकी नज़र में सब बराबर होंगे, और आपस में जो भी लोग हैं वो एक दूसरे के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, केओस ना हो, जो कि सब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर करता है। अगर वो कोई भी दिक्कत करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, पनिशमेंट्स है, वेरियस लॉज है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ हो, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स हो, तभी डेमोक्रेसी मानी जाएगी। अब जिम्बाब्वे में क्या होता है, उन्होंने इंडिपेंडेंट हुए वो किससे, वाइट माइनॉरिटी रूल से, जो गोरे लोग थे उनसे उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, कब, 1980 में। जब से इनको इंडिपेंडेंस मिली तो जानू PF जो पार्टी थी वो ही वहाँ पे रूल कर रही थी। अब भाई जब से इंडिपेंडेंस हुई है वहाँ पे वो क्यों रूल कर रही थी, क्योंकि इसी पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, जैसे हमने हमारी इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे मेन मेजर पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी, और मुस्लिम लीग थी, वो तो भाई पाकिस्तान के फेवर में थी, उन्होंने तो पाकिस्तान पार्टीशन करवाई दिया था, तो फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने लेड किया, जैसे हमने हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल लेड किया पूरा,
ऐसे ही जानू पीएफ पार्टी ने किया था, जब जीत जाएंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो यही तो रूल करेगी, मेन तो यही पार्टी थी। और यहाँ का लीडर कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। अब इस बंदे ने क्या करा कि अनफेयर प्रैक्टिस उसने भी करी, भाई पावर है तो इसने भी कुछ गलत गलत ट्रिक्स यूज़ करता था। तो रेगुलर इलेक्शंस जो भी होते थे यहाँ पे, जितने भी टाइम बाद रेगुलरली, हर बारी यही पार्टी जीत रही थी। अब हर बारी यही जीत रही है, कुछ गड़बड़ है, मतलब अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ हो रही है यहाँ पे। किस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ की इस रॉबर्ट जी ने? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, जो मेन मानते हैं ना जिसको सुप्रीम, उसी में चेंजेस ले आए कई बारी वो भी। और क्या, किस तरीके से चेंजेस लाए कि जो प्रेसिडेंट है ना वो लोगों के प्रति कम जवाबदेह हो, कम अकाउंटेबल हो, लेस अकाउंटेबल, लोग उससे क्वेश्चन ना कर पाए, चाहे वो जो भी करे। इस तरीके से रूल्स बना दिए चेंज कर करके कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी पावर जो थी वो बढ़ा दी। एक तो ये तरीका इस्तेमाल करा। दूसरी बात, ओपोजिशन जो पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी, उनको करा हरेस, उनको किया परेशान। जब भी वो मीटिंग करते थे, उनकी मीटिंग करते थे दखल अंदाजी, कभी ख़राब के ढंग से स्मूथली मीटिंग हो ही ना पाए। तीसरी बात, कंट्रोल ओवर मीडिया, मीडिया पे कंट्रोल कर लिया, जी जो हम चाहेंगे हमारी पार्टी के बारे में अच्छा अच्छा बोलो, और अगर तुम हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहे हो तो तुम्हारा चैनल बंद। गवर्नमेंट के फेवर में जो हम चाहेंगे वो बोलो, और रूलिंग पार्टी के फेवर में ही बोलो, हम कंट्रोल करेंगे क्या चलेगा टीवी पे क्या नहीं चलेगा। अब लोग हैं, लोग तो मीडिया देख के टीवी देख के इन्फ्लुएंस होते हैं ना। अगर किसी पार्टी के बारे में वो अच्छी चीज़ बताई जाएगी न्यूज़ में तो लोग तो सोचेंगे भाई अच्छी पार्टी है, हम वोट दें, है ना। मेनली तो लोग टीवी से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर उसी में कुछ एक ही पार्टी के बारे में अच्छा अच्छा बताएंगे, दूसरी पार्टी के बारे में बताएंगे नहीं या गलत बताएंगे, तो लोग तो ये समझेंगे वो पार्टी ही गलत है। तो कंट्रोल किस, गवर्नमेंट इसको करेगी तो सब यही समझेंगे यहाँ पे जो पार्टी है, ये जो रॉबर्ट मुगाबे जी की, वही अच्छी है बस इन सर की पार्टी, क्योंकि ये तो कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया को भी। इस तरीके की प्रैक्टिस ये यूज़ कर रहे थे। और जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, जो अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, जिस पर कंट्रोल नहीं था गवर्नमेंट का, प्रेशर नहीं था किसी चीज़ का, वो अगर इनके अगेंस्ट जाते थे तो उनको भी ये जो गवर्नमेंट थी वो परेशान करती थी, हरेस्ट करती थी, ठीक है, हरेस करती थी उनको। और जो जजेस होते थे, जो एट द एंड अगर चलो ये बेचारे अगेंस्ट चले ही गए, कह रहे भैया हमें परेशान कर रही है पार्टी, ये तो गलत हो रहा है, तो ये जजेस जो फैसला सुनाते उनको भी प्रेशर देती थी कि हम तो तुम्हारी सैलरी कम करवा देंगे, हम तो तुम्हें डिसमिस कर देंगे, हम तुम्हें हटा देंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी थोड़ी थी यहाँ पे, जैसे डेमोक्रेसी में होती है, जैसे हमारे इंडिया में है, कि जजेस के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता। क्यों? ताकि वो प्रॉपर जस्टिस कर पाए, किसी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है। अगर गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा तो क्या वो प्रॉपर जस्टिस कर पाएगी? वो तो बायस हो जाएगी किसी एक के फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में। लेकिन यहाँ पे तो भाई जजेस को भी प्रेशर किया जा रहा था। अब जिम्बाब्वे में कोई किसी तरीके का रूल ऑफ लॉ तो था ही नहीं, या तो रॉबर्ट मुगाबे जी का रूल चल रहा है ना भाई, अपनी मनमानी कर रहा है। क्या लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट हो रही है यहाँ पे? नहीं ना, अगर हो रही होती तो प्रेस की फ्रीडम होती, जो मन चाहे वो प्रेस में पब्लिश कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही इस चीज़ की, हमारे फंडामेंटल राइट्स में तो ये सब चीज़ें दी हुई है ना, हमारे पास तो फ्रीडम है, हम जो चाहे एक्सप्रेस कर पाए, जो चाहे हमारे पास राइट है उसको प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे जी ऐसा कुछ नहीं होने दे रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं थी, ये अनडेमोक्रेटिक रूल था, ठीक है। ऐसी सीरिया में क्या था भाई, वहाँ पे थी एक बाथ पार्टी, BAATH पार्टी, और उसके कुछ जो भाई बंधु थे, एलाइज थे, बस वो ही पार्टीज थी जो यहाँ पे रूल कर सकती थी, और कोई रूल ही नहीं कर सकता था। यहाँ पे भी भाई इनका अलग ही चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हम समझ रहे हैं इन एग्जांपल के थ्रू कि क्या डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, इफ़ वी विश टू एक्सेस डेमोक्रेसी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर इलेक्शंस, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं तो ये तो ज़रूरी है कि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो, लेकिन ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी उतना ही ज़रूरी है कि इलेक्शन से पहले क्या कंडीशंस है और इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है। ये नहीं कि किसी तरीके से अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, तो लोग तो उसी को वोट देंगे जो मीडिया बोलेगी, लेकिन वही कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा भाई। ये तो एक तरीके से अपनी मनमानी करी जा रही है इनडायरेक्ट वे में। लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट क्या है कि इलेक्शंस तो चलो इम्पॉर्टेंट है, फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए, लेकिन उससे पहले जो हो रहा है वो भी देखना ज़रूरी है, और उसके बाद जो हो रहा है वो भी इक्वली ज़रूरी है। अच्छा, डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, कैंपेनिंग वगैरह होती है, ऑपोजिशन पार्टी भी होती है ना, जो दूसरी पार्टी होती है, वो भी बड़ी पार्टी होती है, मगर रूलिंग पार्टी नहीं होती, वो दूसरी पार्टी जो कि प्रॉपर वो देती है कॉम्पिटिशन, ठीक है, उसको भी अथॉरिटी होनी चाहिए अपनी एक्टिविटी, अपने कैंपेन करने की, क्वेश्चन करने की, जो पार्टी अभी रूल कर रही है उसको क्वेश्चन करने की, ये आपने गलत किया, ये आपने कैसे किया, आपने क्यों किया,
अगर वो क्वेश्चन ही नहीं करेगी तो अपनी जो रूल कर रही है पार्टी, जिसके पास अभी पावर है, वो जो मर्जी करेगी, उसे पता है मेरे से तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो अपोजिशन पार्टी के पास पावर है, आप पूछो भाई, इस तरीके से वो फिर अच्छा काम करने की भी कोशिश करते हैं कि अपोजिशन पार्टी मेरे से कुछ कह ना पाए। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है कि अपोजिशन पार्टी के पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए डेमोक्रेसी में। और क्या होनी चाहिए भाई, लोगों के पास बेसिक राइट्स होने चाहिए, जो हमने पढ़ा था वही कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में तुम्हारे, लोगों के पास राइट होने चाहिए, जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे ओपिनियन उनका बिल्ड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं पब्लिक में। ये नहीं कि वो भाई पब्लिक में कुछ अपना ओपिनियन ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे, मीडिया पे ही कंट्रोल लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये राइट्स होने चाहिए, लोग ये सब कर पाए, एसोसिएशन बना पाए आपस में, कोई ग्रुप बना पाए किस चीज़ के लिए, जिस मर्जी थी इसके लिए चाहे बना, राइट है भाई उनके पास, चाहे वो प्रोटेस्ट करे गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो कोई और एक्शन ले अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो ये सारे राइट्स होने चाहिए। और एवरीवन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, लॉ के सामने सब बराबर होने चाहिए, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, सभी ह्यूमन बीइंग्स एक बराबर होने चाहिए, सबके पास समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। ये सब बेसिक राइट्स है जो डेमोक्रेसी ही इंश्योर करती है। और डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जस्टिस करने वाली जो जुडिशरी है वही इंडिपेंडेंट नहीं है, वही किसी के अंडर है, वही किसी से दबी हुई है किसी के प्रेशर में, तो क्या प्रॉपर जस्टिस हो पाएगा? और अगर जहाँ पर जस्टिस ही नहीं है, क्या वहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं ना। तो ये तो गोज हैंड इन हैंड, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात होती है कि चलो भाई ये सब चीज़ें हमने समझ ली, क्या चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या उसके फीचर्स हैं। अब बात आती है क्या कंडीशंस है कि गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी वाली, उसके पास क्या कंडीशंस होती है कि ये चीज़ तुम्हें करनी है। एक तो उनको जो रूल्स बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, उसको रिस्पेक्ट करें। दूसरी बात, जो माइनॉरिटीज़ हैं, कम मात्रा में जो लोग होते हैं, लेस पॉपुलेशन, जैसे कि इंडिया में पारसीज़ की पॉपुलेशन बहुत कम है, मुस्लिम की पॉपुलेशन कम है, तो वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। सिख हो गए, वो भी माइनॉरिटी में, और हिंदू है जो मेजॉरिटी में, ज़्यादा मात्रा में इंडिया में। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, वो कम है वहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी में क्या है वहाँ पे लोग, मुस्लिम्स। तो यहाँ पे क्या, जो माइनॉरिटी में लोग हैं, कम मात्रा में, कम पॉपुलेशन में जो लोग हैं, उनके जो गारंटीज़ है, उनके जो राइट्स है, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि वो हटाई दे, उनको कुछ राइट्स मिले वो उसको आप कंसीडर ही ना करो अगर आप गवर्नमेंट है तो। इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये सब चीज़ें किसने अलाउ की है, गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। डिसीजन आफ्टर सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, अगर आप गवर्नमेंट बन गई चलो डेमोक्रेटिक तरीके से, तो ये नहीं है कि एक बंदा जो चाहेगा वो डिसीजन ले लेगा जो हाईएस्ट पावर पे, नहीं, बहुत सारी कंसल्टेशन होगी, डिस्कशन होगी, क्योंकि दो दो मेंबर, दो दो हाउस बने हुए ना, लोकसभा राज्यसभा, वो किस लिए है भाई, पार्लियामेंट किस लिए, डिस्कशन के लिए, ताकि कोई भी डिसीजन जो लोगों के लिए हम ले रहे हैं वो अच्छी तरह से सूझबूझ से डिस्कशन के बाद ही डिसीजन हो पाए, ताकि सबकी सहमति हो, किसी की भी अगेंस्ट या किसी को भी परेशान ना करे ऐसा डिसीजन। दूसरी बात, कोई भी ऑफिस बियरर है, मतलब किसी के भी पास कोई ऑफिस की पावर है, कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, उसके भी कुछ राइट्स होंगे, उसको भी कुछ अधिकार होंगे कि भाई ये आपके पास राइट्स है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि कौन डिफाइन करेगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा आपके क्या राइट्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी किसके प्रति जवाबदेह होगा, किसको जवाबदेह है वो, जो भी बंदा है गवर्नमेंट ऑफिस में कोई बैठा है, तो लोगों को जवाबदेह है, लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, लोग उससे पूछ सकते हैं ना भाई आप क्या काम कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, क्योंकि चुना तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लोगों नहीं है, तो अकाउंटेबल लोगों की तरफ हो सकता है। और दूसरे इंडिपेंडेंट ऑफिशियल जो उससे बड़े, उससे सुपीरियर है, उसके सीनियर है, उनको भी तो वो जवाबदेह है ना कि आपने ये काम गलत किया, ये काम क्यों किया, ये कैसे किया, पूछ सकते हैं उसको, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो वो तो जो मर्जी करेगा। डेमोक्रेसी में हर चीज़ इस तरीके से बनी हुई है कि लोग सही तरीके से काम कर पाए और डेमोक्रेसी बनी रहे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। ये तो हमें पता ही है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपनी लिमिट में काम करती है। किस लिमिट में, किसने बताई लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन ने, और जो लोगों के राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि उसके अगेंस्ट, उसको अगेंस्ट ना चली जाए, इसलिए बोलते हैं ना रिस्पेक्ट करे राइट्स की लोगों के, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारे काम करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही तो लोगों के द्वारा चुने गए बंदों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया है ना, उसी में तो सारे लॉज वगैरह। अच्छा, डेमोक्रेसी में मेन यही है, मेन पावर तो लोगों के पास होती है और लोग ही अपना जो रूलर्स है वो इलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये समझ आ गया हमें सारी बातें, फीचर्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये बताओ कि डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत क्यों है? अब आपने इतना पढ़ लिया तो आप तो बता ही सकते हो क्यों ज़रूरत है भाई। जस्टिस हमें चाहिए तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए तो डेमोक्रेसी चाहिए, सही से हम चैन से जीना चाहते हैं तो
डेमोक्रेसी चाहिए। अब कोई पूछे भाई मेरिट्स बताओ क्या फ़ायदे हैं, तो गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द विल एंड कंसेंट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है किसके हिसाब से चुनी गई होती है, लोगों की विल है उसमें, लोगों के लोग चाहते हैं इसी हिसाब से बनी हुई है। तो नहीं है कि लोग नहीं चाहते फिर भी कोई गवर्नमेंट में आ गया, नहीं ना। तो क्या इसमें एक बेनिफिट है कि लोग जो चाहेंगे वही गवर्नमेंट में होगा। गवर्नमेंट सीक्स द वेलफेयर ऑफ ऑल, गवर्नमेंट सबके हित में काम करती है, सबकी भलाई के बारे में सोचती है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के या एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं सोचती डेमोक्रेसी में। और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल, जो भी बंदे पावर में हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो क्या है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, डिक्टेटरशिप चल रही है, अपना ही रूल चल रहा है, तो वो थोड़ी ना किसी को जवाब दे, किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। और पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन भी मिलती है कैसे वोट करना है, इनको वोट करने के बाद ये किस पावर पे जाएंगे, किस पोजीशन पे जाएंगे, तो लोगों को एजुकेशन भी पॉलिटिकल मिलती है। वरना रूलर है, किंग है, तो वहाँ पे कौन किसको चुन रहा है, कौन किस पावर पे है, लोगों को पता ही नहीं चलता। वो तो राजा जो चाहता है चुन लेता है, किसी को नहीं पता होता कौन क्या बन रहा है, कौन सेनापति है, कौन क्या है। यहाँ तो लोगों को सब पता है। गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा होना चाहिए पूरा। ये गवर्नमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है, इस डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। इन दिस गवर्नमेंट देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में लेस चांसेस है ना कि लोग बिल्कुल ही लड़ाई दंगों पर उतर जाए कि हमें ये गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। वो तो तब होता है ना जब कोई राजा राज कर रहा हो आपके ऊपर, अपनी मनमानी चला रहा हो, कोई आर्मी रूलर गलत कर रहा हो, एक्सप्लॉइट कर रहा हो, जैसे हमारे पास अंग्रेजों ने किया, हमने फिर फ्रीडम स्ट्रगल किया, रिवॉल्यूशन हुई, जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो लोगों के द्वारा ही चुनी गई है, तो लोग रिवॉल्यूशन तो नहीं करेंगे भाई, अगर उन्हें कुछ बुरा लगेगा तो थोड़ा बहुत वो प्रोटेस्ट कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर रिवॉल्यूशन तो वो नहीं करेंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं। कुछ गलत लगेगा तो अगले साल वोट नहीं देंगे उसको, बस अपने आप सरकार चेंज। और क्या भाई बेनिफिट्स हैं, इट पे स्पेशल अटेंशन टू इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी के इंटरेस्ट पे ज़्यादा अटेंशन रहती है। क्यों? क्योंकि सबके पास एक ही वोट है, एक वैल्यू है, तो चुनेगा कौन आपको भाई, आपको कौन गवर्नमेंट में हिस्सा दिलाएगा, कौन आपको गवर्नमेंट में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएगा, कौन बनाएगा, कॉमन मैन। तो उसकी बातों पे, उसके इंटरेस्ट पे जो वो चाहता है उसको स्पेशल अटेंशन दी जाती है, इक्वालिटी होती है, पब्लिक ओपिनियन जो चाहती है पब्लिक वो हो, रिवॉल्यूशन कम हो, पॉलिटिकल एजुकेशन मिले, नेशनल यूनिटी बनी रहे, क्योंकि सब बराबर है ना, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, तो यूनिटी रहती है सब में कि सब एक समान है, ठीक है। अब बात आती है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या भाई डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। एक तो इतने सारे लोग हैं, सबकी चॉइस ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, मैंने बोला ना डिस्कशन करनी पड़ती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ऐसे ही नहीं ले लेते, तो टाइम तो लगेगा ना, तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो स्लो है। एक तो ये इसकी गलत बात हो गई भाई। और फेवरेटिज्म टू डोनर, अब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है, पैसे डोनेट कर रहा है, क्या पता वो भाई उसको फेवर करने लग जाए लोग, है ना, वो पार्टी वाले उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, तो ये हो सकता है इसमें चांस। दूसरा टेंडेंसी टू वर्ड्स पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब बहुत ज़्यादा बहस वहस चलती रहती है अपोजिशन से, कभी लड़ाई झगड़े टाइप, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा हाथापाई भी हो जाती है ना, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो पॉलिटिकल टर्मोइल होता रहता है गर्मा गर्मी। रिलायंस ऑन रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिस तरीके से धर्म के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोग ही हैं, अगर लोगों को ही हम परेशान कर देंगे, उनके धर्म के अगेंस्ट चले जाएंगे गवर्नमेंट, तो उसे पता है अगले साल मुझे वोट नहीं मिलेगा, हरा देंगे, तो ट्रेडिशंस के हिसाब से भी लोग चलते हैं, ये कभी कभार वो सही डिसीजन भी नहीं ले पाते, क्योंकि जैसे कि ट्रिपल तलाक था, मुस्लिम्स का रूल था कि 3 बार बोला तलाक तो भाई तलाक हो जाएगा, जो कि गलत है अगर ह्यूमैनिटी की बेसिस पे देखे तो, लेकिन गवर्नमेंट उसमें उस पर डिसीजन लेने पर हिचकिचाती थी कि अगर हमने इनके धर्म में कुछ बोला तो भाई ये जो मुस्लिम लोग हैं ना ये हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर प्योर डेमोक्रेसी लानी है तो उनके हिसाब से नहीं, देखो भाई ये सब चीज़ें, कुछ कुछ ना डीमेरिट्स भी होते हैं, इलेक्शंस कॉस्टली। अब जब इतने ज़्यादा रेगुलर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं हर 5 साल बाद, तो पैसा तो लगेगा ही ना, बहुत पैसा इलेक्शन के लिए लगता है, कैंपेनिंग में लगता है, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट भी होता है, बहुत कॉस्टली हो जाते हैं इलेक्शंस। और भाई चेंजिंग गवर्नमेंट, हर 5 साल पर सरकार बदल देती है, बदल जाती है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं रह पाती कि 5 साल में जो चीज़ एक गवर्नमेंट करना चाह रही है अगले 5 साल में वो उसको, दूसरी जो नई गवर्नमेंट आ रही है उस पॉलिसी को ही हटा दे, तो एक स्टेबिलिटी सी नहीं रहती। दूसरा डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर डिस्कशन, ये तो हमें पता ही है, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। दूसरा कई बारी लोगों के पास ना सही नॉलेज नहीं होती कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए ठीक है, वो वोट तो दे देते हैं लेकिन कई बार डिसीजन वो ढंग से नहीं ले पाते बंदे जो वो चुनते, गलत बंदा भी चुन लिया जाता है।
इन डेमोक्रेसी एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल ओनली फॉर देयर सक्सेस. अब हर डेमोक्रेसी में बस पॉलिटिकल पार्टी का मेन फोकस होता है कि अगले सालों में वोट मिले, मेन काम वो इसी के लिए करते हैं, ठीक है. और चीज़ें कई बार वो इग्नोर कर देते हैं, और ज़्यादातर चीज़ें वो इसीलिए करते हैं कि हमें वोट मिले इलेक्टोर. लेकिन एक तरीके से इसका बेनिफिट भी है कि भाई वो डर के रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि अगर हमने कोई ये काम नहीं किया, लोगों की नहीं सुनी, तो अगली बार वोट नहीं देंगे और हम हार जाएंगे, दूसरी सरकार बन जाएगी. इलेक्टोरल इज बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, थस नॉमिनी ट्राई टू बाय वोटर्स इन लॉन्ग टर्म. कई बार ये करप्शन भी हो जाती है ना, वोट खरीदने का, लोगों को लालच देने का, ब्राइब देने का, तुम्हें फ्री में ये करा देंगे वो करा देंगे. जैसे केजरीवाल जी ने कहा है कि आपको फ्री में ये होगा, इतनी बिजली फ्री, ये वो, एक तरीके से लोगों को आप लालच दे रहे हो ना कि वो आपको ही चुने. तो ये सब चीज़ें भी हो जाती है करप्शन टाइप्स की, ज़्यादा ही लेवल पे ये हो तो ये चीज़ें होती है जो नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं. लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें ना, तो नुकसान कम है और फ़ायदे ज़्यादा है. जैसे कि अगर भाई कोई राजा राज चला रहा है या कोई डिक्टेटर है, अपनी अपनी चला रहा है, तो उससे तो बेटर ही है डेमोक्रेसी. यही बात है, देखो कितने फीचर्स है, फ्री प्रेस होती है, प्रेस मतलब मीडिया को जो मर्जी चाहे वो कर सकती है, किसी के प्रेशर में नहीं है, पब्लिश कर सकती है. पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, आसानी से शांतिपूर्वक गवर्नमेंट चेंज होती है वोट के हिसाब से, ये नहीं लड़ाई हो रही, रिवॉल्यूशन हो रही है तब बदल रही है. लिमिटेड गवर्नमेंट हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन पे भी कुछ लिमिट लगाई है, गवर्नमेंट है तो ये मतलब नहीं है जो मर्जी करे. रिप्रेजेंटेशन भी उस हिसाब से जो लोग चाहते हैं वो ही रूल करे, मेजॉरिटी पार्टी रूल करे जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, लोग पॉलिटिकल चीज़ों में पार्ट ले वोट के थ्रू. फ्री इलेक्शन हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, इंडिविजुअल फ्रीडम हो, सबके पास फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, हमारी जो जस्टिस करती है. अच्छा, चाइना में क्या होता है, 1958 और 61 में ना एक फेमाइन आता है, यानी कि भुखमरी, जो कि वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट मानी जाती है. कम से कम 3 करोड़ पीपल, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नियरली 3 करोड़ पीपल थे जो मर गए थे इंडिया के. लेकिन उस टाइम पे ना इंडिया की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी चाइना से ज़्यादा अच्छी नहीं थी. लेकिन इंडिया में ये तो था कि कम से कम ऐसी सिचुएशन भुखमरी वाली नहीं आई. क्यों नहीं आई, लोग जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ना, जो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि भाई इंडिया पता है क्यों इस भुखमरी से बच गई, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी थी. और चाइना में ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी. इंडिया में डेमोक्रेसी थी, हर चीज़ तरीके से हो रही थी, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जा रहा था, तो जो फूड की कमी थी उसको इंडिया ने टैकल कर लिया. लेकिन चाइना में नहीं थी तो बहुत सारे लोग भुखमरी से मर गए. अगर वहाँ और डेमोक्रेसी होती तो वो भी बच जाते. हमने पढ़ लिया ना, मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, सिटीजन की डिग्निटी है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी अगर डिस्कशन लेके करेंगे तो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन से सोच विचार से कोई डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा. कोई भी डिफरेंसेस आ गए, कन्फ्लिक्ट आ गए, जब इतने डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, अलग जेंडर के, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, फिर भी कोई भी, देखो ऐसा तो नहीं है भाई हर बारी सब हर चीज़ से सहमत हो, कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ना लोगों में. तो डेमोक्रेसी ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है कि करवाती है कि डिफरेंसेस सॉल्व इजीली हो पाए, है ना, क्योंकि तरीके से चीज़ होती है डेमोक्रेसी में. ये थोड़ी ना कोई भी रूल कर रहा है आप पे एक चीज़ को फेवर कर लेगा, यहाँ पे तो अगर कन्फ्लिक्ट हो भी रहे, जो कि पॉसिबल है इतने डिफरेंसेस में, इतनी डाइवर्सिटी में, ये मेथड प्रोवाइड करता है कि इन डिफरेंसेस से भी डील किया जाए. ठीक है, पता चल गए भाई, पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड सम स्टेटस सेम स्टेटस एज रिच एंड एजुकेटेड. चाहे कोई बंदा गरीब है और कम एजुकेटेड है, फिर भी उसको बराबर का स्टेटस मिलेगा. किसके बराबर का, कि जो रिच बंदा है और एजुकेटेड है. ये नहीं कि आप रिच हो तो आपको एक्स्ट्रा वोट मिला हुआ है या एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेजेस मिले हैं. लॉ के सामने सब बराबर है. और जो कि किसमें पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी के तो फीचर है ना इक्वालिटी फॉर ऑल. डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. अब भाई लोग कहेंगे नहीं भाई ये नुकसान है इसमें, तो ये भी नुकसान भी तो देखो. लेकिन अगर हम कंपेरेटिवली देखें और गवर्नमेंट्स को, जहाँ पे रूल आर्मी कर रही है या कोई राजा कर रहा है, उससे तो बेटर ही है ना. क्यों, वहाँ पे अगर सरकार से या जो भी रूल करा उससे गलती हो गई तो क्या वो उसको हटा सकते हैं, नहीं ना. लेकिन डेमोक्रेसी में अगर गलतियाँ हो रही है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं. लोग वोट नहीं देंगे तो सरकार बदल जाएगी, हमारे पास करेक्ट करने का चांस है अपनी मिस्टेक्स को. लेकिन दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक राजा वही रहेगा, उसने गलती भी कर दी तो क्या कर सकते हैं भाई, अब उसको हटा थोड़ी ना देंगे. लेकिन डेमोक्रेसी में तो हटा सकते हैं. अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडर्न टाइम में किस टाइप की डेमोक्रेसी चल रही है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप की. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो क्या होती है वो मैं आपको समझाती हूँ. इस पिक्चर को समझ लो, सब समझ आ जाएगा. देखो इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो, लड़की, लड़का, जेंडर, ट्रांसजेंडर, बहुत सारे डिसेबल्ड पर्सन, है ना. अलग अलग बंदे जो हैं वो अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते, एक बंदा अपना हेड चुन लेते हैं कि भाई तुम जाओ गवर्नमेंट में. क्योंकि हम सारे तो जा नहीं सकते, सारे इतने सारी गवर्नमेंट, तो फिर कैसी गवर्नमेंट होगी सोचो,
ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक ग्रुप, डिफरेंट टाइप का ग्रुप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है जो कि गवर्नमेंट में जाता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखो इसको रिप्रेजेंट ग्रीन वालों को ये ग्रीन बंदा कर रहे हैं, पिंक वालों को ये पिंक बंदा कर रहा है, ऐसे हिंदूज़ का रिप्रेजेंटेटिव कोई है या किसी एक पर्टिकुलर एससीज़ का, एसटीज़ का, सबका रिप्रेजेंटेटिव है वो जो गवर्नमेंट में है, रिप्रेजेंट करने वाला एक इंसान है सबको। सारे ये डायरेक्टली नहीं गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, उसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि देखो भाई, अगर हर एक बंदा कोई भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट में, हर एक बंदा अगर जाए, हर एक बंदे से पूछा जाए, तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला डिसीजन, इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में ही, क्या डिसीजन लेना इजी और पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये चूज़ करते हैं लोग जो कि गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, ताकि डिसीजन तरीके से और जल्दी हो पाए। इसमें भी टाइम लगता है लेकिन ईजिली प्रॉपर वे में, पॉसिबल वे में हो पाती है चीज़ें जो कि मॉडर्न टाइम्स में एग्जिस्ट करती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, समझ आ गया आपको? सब चीज़ आप समझ चुके हो, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी।